अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अली हुसैन प्रोग्राम फूड पैंट्री में इस वीक आपकी खिदमत में दोबारा एक दफ़ा हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, फूड पैंट्री एक ऐसा शो जिसमें पाकिस्तानी सकाफती खानों के हवाले से और हमारी ट्रेडिशनल चीज़ों के हवाले से बात की जाती है और इस पर मबनू है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए कराची जो रोशनियों का शहर है, उसका एक चिराग जो बेसिकली यहाँ पे 5 स्टार पे हम यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पर हम आए हैं द शेफ कैफ़े में और यहाँ के बर्गर के हवाले से और यहाँ की जो डिफरेंट रसूमात हैं उसके हवाले से हमने काफ़ी ज़्यादा सुना है कि यहाँ की टेस्ट बहुत ज़्यादा यूनिक होता है और यहाँ की जो प्राइजेस हैं काफ़ी ज़्यादा उससे ज़्यादा यूनिक है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं 5 स्टार में और यहाँ पर हम जानेंगे इनके टेस्ट के हवाले से, इनकी बेसिकली प्रोडक्ट के हवाले से और बहुत कुछ जानेंगे मजीद। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या हो रहा है। इस तरीके से हम शेफ कैफ़े में मौजूद हैं यहाँ पे और अब अंदर उनके किचन में आए हैं और देखते हैं कि यहाँ पे किस किस्म का, आई थिंक ये बर्गर बना रहे हैं, हम उसका नाम जानेंगे और किस किस्म का बर्गर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपका अब्दुल मोइस। मोइस, ये बताइए कि अभी आप किस किस्म का बर्गर बना के दिखा रहे हैं। मैं आपको ट्रिपल पैटी चिकन बर्गर बना के दिखा रहा हूँ जो माइटी ट्राइव चिकन हमारा स्पेशल बर्गर है। 500 रुपीज़ इसके प्राइस है। फर्स्टली हम इस पर सॉस डालेंगे, हमारी आइसबर्ग ऐड होगी, उस पर ट्रिपल पैटी चिकन होगी जो एक मिन्स पैटी की फ्ले होता है उसको ऐड करेंगे, फिर उसके बाद जिंगर पैटी ऐड होगी, चीज़ स्लाइस ऐड होंगे, ऑनियन ऐड होंगे, उसके बाद हमारी ग्रिल चिकन ऐड होगी, उसके बाद हेलोपिनोज ऐड होंगे, डिफरेंट सॉसेज है हमारी स्पेशल वो ऐड होंगे, उसके ऊपर हमारा टॉप करके उसको सर्व किया जाएगा। ठीक है नाजिन, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जल्दी में रेसिपी बताई है लेकिन हम आपको आसानी से और तहम्मुल से दिखाएंगे कि इन्होंने क्या क्या डाला है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बेसिकली जो है, इसका नाम दोबारा से मुझे बताइए। माइटी ट्रायो चिक। माइटी ट्रायो चिक बर्गर इज गॉट रेडी नाउ, सो सर्व विद द चिप्स एंड द चिली सॉस। सो इसका जो बेसिकली टेस्ट है हम उसके बारे में जानेंगे। लुक वाइज वेरी नाइस है बट इस कम विद द चिप्स सर्विंग के लिए, लेकिन ये जिस क्वान्टिटी में ये बर्गर सेल किया जा रहा है, यहाँ पर दिया जा रहा है, जिस प्राइजेस पे, आई थिंक सो द प्राइज इज़ ऑल्सो यूनिक। So whenever you visit on basically Aisha Manzil, so near to the Dhamtal, so must visit on the Chef Cafe. हमारे साथ वन ऑफ द ओनर उरूज मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम उनकी फर्म की, उनके रेस्टोरेंट की बेस्ट डील जानेंगे कि कराची के किसी भी कोने से इनकी होम डिलीवरी के नंबर पर कॉल कर उस डील को हासिल कर सकते हैं और वो बेस्ट डील क्या है वो हमें बताने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उरूज, ये सबसे पहले बताइए कि आपकी जो बेस्ट डील है द शेफ़ कैफ़े की, वो क्या है, थोड़ा सा लोगों को बताएँ। करंटली हम लोग जो है इस वक्त, वैसे हमारी ऑन गोइंग डील्स चल रही हैं बट इस वक्त हम लोग अनाउंस कर रहे हैं आपके शो में 555 डील्स के नाम से हमारी 6 डील्स हैं जिसके अंदर जितनी हमारी डील्स हैं वो सारी 555 के अंदर ही अमाउंट में। ठीक है, मतलब एक 555 जी। तो उसके अंदर हमारी पहली डील है 3 जिंगर 555 के अंदर, 3 ग्रिल तंदूरी बर्गर्स हमारे 555 में है, 3 बीफी चिक हैं हमारे, 2 लावा सैंडविच हैं हमारे, 2 लावा सैंडविच जी 555 के अंदर, और 3 टिक्का हैं हमारे, 3 टिक्का 55 ये बारबेक्यू का है हमारा, 3 पिज़्ज़ा फ्राइज हमारे 555 में है और 6 चिकन रोल है जी। तो ऑल ओवर द कराची आप डिलीवरी करवा सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0333-022-1006 और 0330-2149 एंड 555 जो कि हमारे फेसबुक पेज पे भी मेंशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नसीर अली। नसीर अली, ये बताएं सबसे पहले द शेफ़ कैफ़े अब यहाँ पे अभी आए हुए हैं, आपको यहाँ पे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? जी हम तो बर्गर खाने आए अभी। तो बर्गर खाने आए? कौन सा बर्गर लेने के लिए आए? बर्गर ये चिकन वाला बर्गर। चिकन बर्गर, तो यहाँ का ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? जी हाँ। टेस्ट कैसा है यहाँ का? अच्छा है माशाल्लाह, अच्छा बर्गर। प्राइजेस?
प्राइस तो मालूम नहीं है, रीजनेबल है। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल वाह। तो आप ये बताइए सबसे पहले शेफ कैफे आपको कैसा लग रहा है और ये एम्बियंस यहाँ का कैसा है, यहाँ का फूड कैसा है, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। माशाल्लाह बहुत अच्छा फूड है इनका और मैं इनका रॉयल कस्टमर हूँ। पहले मैं इनके ऑनलाइन थे ये, तो मैं इनके ऑर्डर करके मंगवाता था। अब मैं आज इनका पर्सनली यहाँ टेस्ट करने के लिए आया हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छा बर्गर है, बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छा इनका जिंगर बर्गर मैंने ट्राई किया, जैगेंटिक ट्राई किया है और अब इनका मैंने क्लब सैंडविच आज ट्राई करने आया था जो कि बहुत बेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो सर, आप आसिम इकबाल। आसिम, ये बताएं सबसे पहले कि द शेफ कैफे का सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है और क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम लोगों? सर, यहाँ की बर्गर रेंज बहुत ज़बरदस्त है, मैंने अब तक जितने भी जगह का ट्राई किया है ब्रांड्स वगैरह का उससे टक्कर का है। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पे आएँ और ज़रूर ट्राई करें इस चीज़ को। यहाँ के जिंगर जैगेंटिक खास तौर पे बहुत ज़बरदस्त है, मैंने बहुत जगह का जिंगर खाया, जिंगर सबसे ज़्यादा लोग खाते हैं लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है। पर्सनली मैं रिकमेंड करूँगा इसको ट्राई करें, इनकी सॉसेज बहुत ज़बरदस्त होती हैं, काफ़ी यूनिक टेस्ट है उनका, काफ़ी टैंगी टेस्ट है। उसके अलावा इनका अमेरिकन बीफ बर्गर, अगर बीफ की रेंज में अगर बीफ लवर जो होते हैं, मैं पर्सनली बीफ लवर हूँ, मैं ट्राई कहूँगा कि वो ज़रूर आएँ। इनका जो है बर्गर रेंज और इनकी सैंडविचेस की रेंज बहुत ज़बरदस्त है, वो ज़रूर ट्राई करें। अब उनके हम ऑनर से बात करेंगे उरूज मोशन से कि वहाँ यहाँ की जो स्पेशलिटीज़ है उसके हवाले से हम जानेंगे कि यहाँ की स्पेशलिटीज़ क्या है और ज़्यादातर जो रिक्वायरमेंट लोगों की होती है वो क्या मांगते हैं बेसिकली टेस्ट के हवाले से और क्या मैसेज देना चाहती हैं ये आसपास के लोगों का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये सबसे पहले बताइए उरूज मोशन कि आपकी स्पेशलिटीज़ में कितनी चीज़ें आती हैं? देखिए वैसे तो हमारा मेन्यू बहुत वाइड है जिसके अंदर आपके पास बारबेक्यू भी है, हमारे पास सैंडविचेस बर्गर्स हैं और अगर मैं स्पेशलिटी की बात करूँ तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें बहुत अच्छी है लेकिन जैसे जिंगर और माइटी ट्रायो चिक है हमारा लार्ज बर्गर जो आपने किया है जी जी। और जिंगर जैगेंटिक है और चपली मीट्स ग्रिल हमारा है और क्रॉस ओवर्स हमारे पास बर्गर है जिसमें यूनिक ब्लेंड है आपका बीफ और चिकन पैटीज का मिक्स करके दोनों पैटी होती है डिफरेंट है, ठीक है। फिर हमारा लावा सैंडविच जो कि बहुत इन डिमांड है माशाल्लाह, बहुत अच्छे हमारे रिव्यूज़ पेज पर भी आप देखेंगे तो उससे रिलेटेड हमारे पास बड़े अच्छे रिव्यूज़ हैं, ठीक है। और बारबेक्यू के अंदर अगर हम चले जाएँ तो बारबेक्यू में हमारी टिक्का बोटी और टिक्का और रोल्स और हमारा एक न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है चीज़ मलाई बोटी। चीज़ मलाई बोटी ठीक है, जो नॉर्मली मलाई बोटी होती है जो हर जगह मिल रही होती है वो विद अ टच ऑफ चीज़ आपको मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे ये जानूंगा कि बेसिकली आसपास के लोगों को, यहाँ के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं द शेफ कैफे की तरफ से? इज रियली इम्पॉर्टेंट कि लोग आपकी ऑफर्स के हवाले से या कमिंग सून कोई आपके प्रोजेक्ट्स के हैं उसके हवाले से कुछ जान सकें। एक तो मैंने आप ही के शो के अंदर अनाउंसमेंट करी है कि 555 डील्स हमारी आ रही हैं कुछ 5-6। दूसरी ये कि मैं आसपास के लोगों को यही कहना चाहूँगी कि बेस्ट क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी बर्गर्स विद इन इन आर रीजनेबल प्राइस, तो ये एक तरीके से मतलब अब जो बड़े ब्रांड्स के पास आप जो बर्गर्स जाके खाते हैं मतलब वही क्वालिटी वही अरोमा वही टेस्ट आपको रीजनेबल जो है वो प्राइस के अंदर हमारे पास मिलेगा, ये चीज़ की जो है वो गारंटी है। गारंटी है तो एक दफ़ा ज़रूर आए ट्राई करें, ज़रूर आए ट्राई करें और आई थिंक सो नए लोगों को चांस देना चाहिए मार्केट के अंदर ताकि न्यू स्टार्टअप को बूस्ट मिल सके और हमारी इकॉनमी भी इस तरीके से आगे बढ़ सके। जी ना जी, नवी हम द शेफ कैफे मामा की शेफ के साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे दो चीज़ें इस टाइम पे मौजूद हैं, पहली कौन सी है? ये फर्स्ट ये चीज़ है जो ये चिकन चीज़ी बोटी है, चिकन चीज़ बोटी, और जो सेकंड कौन सी आपकी? ये लावा सैंडविच है। लावा सैंडविच नाजी, देख सकते हैं एक लावा सैंडविच मौजूद है और चिकन चीज़ बोटी मौजूद है। अच्छा, हम इसकी इंग्रेडिएंट्स जानेंगे कि शेफ से कि इसकी इंग्रेडिएंट्स क्या होती है और उसमें क्या क्या मौजूद है जी, बताएं थोड़ा सा। चीज़ी मलाई बोटी में सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है वो फ्राइज होते हैं, नीचे बेस उसकी फ्राइज़ की होती है, ऊपर जो हमारी बारबेक्यू पे जो चिकन होती है जो प्लेट होती है चिकन की प्लेट, वो प्लेट ऊपर डाली जाती है बोटियों की पूरी, उसके ऊपर हमारी चिकन होती है, चीज़ आ गई पूरी हैवी चीज़ आ जाती है, उसके ऊपर हमारी कैप्सिकम हो गई, ऑलिव्स हो गए, हेलोपिनोज हो गए, ओरिगानो स्प्रिंकल होता है, चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल होते हैं, फिर हमारी ये मस्टर्ड सॉस ऊपर डाली जाती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाती है चीज़ बोटी। राजीन, इसके देखिए सेकंड ये लावा सैंडविच है, इसके बारे में जानते हैं कि इसकी रेसिपी क्या है इसके थ्रू। लावा सैंडविच का भी ये है कि जो बारबेक्यू मलाई चिकन होती है वो पीता ब्रेड को सेका जाता है पहले, दोनों पीता ब्रेड को, उसकी बेस होती है, उसके ऊपर हमारी बर्गर सॉस जाती है, उसके ऊपर हमारी मलाई चिकन जाती है, उसके ऊपर फिर सॉस जाती है, फिर हमारी पीता ब्रेड की एक और लेयर आती है, फिर उसके बाद सॉस लगती है और चीज़ आती है बहुत सारी, जैसे कि आप देख रहे हैं ये चीज़ पूरी मेल्ट हुई है, पूरी भरी हुई है जी जी। उसके ऊपर फिर हमारे हेलोपिनोज आते हैं, ऑलिव्स आते हैं, कैप्सिकम आते हैं, ऑनियन आती है,
ओरिगानो और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल होते हैं। फिर ये ओवन के अंदर जाता है और थोड़ा क्या कहते हैं ओवन के अंदर जाता है और उसको तकरीबन पूरा बेक करके अच्छे से निकाल के देर के लिए बेक करते हैं 5 मिनट थोड़ी सी देर के लिए बिल्कुल, ये एक चीज़ एक अपना कवर कर ले, कवर कर ले बन जाए मतलब ये पक जाए। जी जी पक जाए। ठीक है नाजी, ये दो चीज़ें इनकी जो है स्पेशलिटीज़ में आती हैं, एक इनका बेसिकली चीज़ बोटी है और दूसरी आपकी जो है लावा सैंडविच है। तो जब आप कभी भी द शेफ कैफे विजिट करें तो मस्ट विजिट करें बिकॉज बोथ आर टेस्टी, और मैं इंशाल्लाह उसको टेस्ट करके आपको बताऊँगा उसका टेस्ट कैसा है। थैंक यू वेरी मच।